हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल द स्ट्रगलर्स ऑन योर ओन चैनल द लिंटेस्ट स्ट्रगलर। आप सभी स्ट्रगलर्स का आपके अपने चैनल द लिंटेस्ट स्ट्रगलर में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। मैं संतोष कुमार सांख्यान एक बार फिर प्रस्तुत हूँ आपके सामने नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी जो 2020 की नई आई है उसी के ऊपर चर्चा आज हम करेंगे। हालांकि इसके ऊपर मैंने एक बड़ा वीडियो बना रखा है, उसमें सारे पैरामीटर्स जो हैं, जो नए चेंजेस आए हैं हमारे जो एजुकेशनल पॉलिसी, एग्जिस्टिंग एजुकेशनल पॉलिसी थी इंडिया की, उसमें न्यू एजुकेशनल पॉलिसी जो चेंजेस लेकर के आई है उसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है। इसके अलावा उसका क्या असर पड़ेगा पीएचडी और एमफिल के स्टूडेंट्स के ऊपर और इन दो कोर्सेज के ऊपर, उसके ऊपर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है। इस पूरी एजुकेशन पॉलिसी जो नई आई है उसमें बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जिनकी अवेयरनेस होना सबको बहुत जरूरी है और सबको मालूम होना चाहिए कि क्या नए नए जो चेंजेस है वो इस पॉलिसी ने प्रपोज किए हैं और होंगे आने वाले टाइम पीरियड में। ऐसा ही एक इसमें बहुत बड़ा मसला इसमें बताया गया है कि अब जो है क्या होगा कि यूजीसी और जो अदर रेगुलेटर है उनकी जगह जो है कोई और एक रेगुलेटर आएगा जो इस पूरे एजुकेशन सिस्टम को, हायर एजुकेशन सिस्टम को या इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को हम कह सकते हैं गवर्न करेगा, जिसका नाम होगा हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया HECI। ये जो कमीशन होगा इसके चार वर्टिकल होंगे और वो चारों वर्टिकल मिल करके पूरे इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को गवर्न करेंगे, रेगुलेट करेंगे, जिसमें एक्रेडिटेशन, फंडिंग, एकेडमिक स्टैंडर्ड, पैरामीटर की सेटिंग जो है वो सारा कुछ जो है वो मेंटेन किया जाएगा इस कमीशन के जो चारों वर्टिकल हैं उनके द्वारा। अब ये कमीशन जो है, ये हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये रिप्लेस करेगा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को और अदर जो रेगुलेटर हैं जो यूजीसी के साथ वर्कआउट करते हैं। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इस नई पॉलिसी का ये मानना है कि जो एग्जिस्टिंग रेगुलेटर हैं वो बहुत ज्यादा हैं अलग अलग एरियाज के, और जिससे क्या होगा कि आपस में तालमेल नहीं बैठ पा रहा है जो एग्जिस्टिंग रेगुलेटर्स हैं उनका, चाहे बात फंडिंग की हो, चाहे पैरामीटर की सेटिंग की हो, चाहे एक्रेडिटेशन की हो, चाहे कोई और मैटर हो, तो आपसी तालमेल होना जो है वो बहुत जरूरी है अगर हमने किसी भी सिस्टम को अच्छे से रन करना है। तो इस पॉलिसी का ये मानना है कि जो एग्जिस्टिंग रेगुलेटर हैं बहुत ज्यादा हैं संख्या में और इनका आपसी तालमेल में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है, कुछ एक मतभेद सामने आ रहे हैं जिसकी वजह से जो है इस जो हमारे एग्जिस्टिंग रेगुलेटर हैं उनको रिप्लेस करने का टाइम आ गया है और एक रेगुलेटर होगा हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, वही पूरे कंट्री के एजुकेशन सिस्टम को गवर्न करेगा। अबे हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया कैसे काम करेगा, इसके चार वर्टिकल हैं जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, ये चार वर्टिकल मिलकर के काम करेंगे। वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि किस तरह से HECI जो है वो वर्कआउट करेगा और इस नेशनल जो एजुकेशन पॉलिसी है, न्यू एजुकेशनल पॉलिसी 2020 आने वाले समय में उसके जो भी हमने एम्स लेके रखे हैं उन एम्स को कैसे वो अचीव करने में सहायता करेगा। सबसे पहला जो इसका वर्टिकल है NHERC, नेशनल हायर एजुकेशनल रेगुलेटरी काउंसिल, दूसरा है NAC, नेशनल अक्रेडिटेशन काउंसिल, तीसरा है HEGC, हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल, और चौथा इसका वर्टिकल रहेगा GEC, जनरल एजुकेशन काउंसिल। अभी किस तरह से काम करेंगे, सबसे पहले बात करते हैं NHERC की, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल। ये जो काउंसिल होगी ये इंडिया की सोल काउंसिल होगी जिसका काम सिर्फ और सिर्फ रेगुलेशन का रहेगा, सिर्फ और सिर्फ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इसका काम रहेगा, ये पूरे इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को इंक्लूडिंग टीचिंग एजुकेशन जो है वो रेगुलेट करेगी, गवर्न करेगी। इसमें सिर्फ मेडिकल और लीगल जो एजुकेशन है हमारी उसको सेपरेट रखा गया है, उसकी गवर्निंग और उसकी जो रेगुलेशन रहेगा वो NHERC नहीं करेगी। इसके अलावा जितने भी हमारे सारे एजुकेशन सिस्टम है या सारे जो भी हमारे जो बॉडीज हैं एजुकेशन से रिलेटेड, उनकी गवर्नमेंट का काम और उनकी गवर्निंग का काम और उनकी रेगुलेशन का काम जो है वो NHERC करेगी। अब उसमें क्या करेगा NHERC, जो फाइनेंशियल रेगुलेशन है, इसके अलावा ऑडिट का काम रहेगा, जो भी प्रोसीजर एंड सिस्टम है एग्जिस्टिंग, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोर्सेज हैं, फैकल्टी एंड स्टाफ है या एजुकेशनल आउटकम जो है, उस सारी का रेगुलेशन जो है वो NHERC रेगुलेटरी कमीशन काउंसिल जो है वो करेगी। इसके अलावा इसका काम रहेगा ट्रांसपेरेंसी इन इंफॉर्मेशन की, जो भी एजुकेशन से रिलेटेड बॉडीज हैं, जो भी काम हो रहा है उससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है
उसको पब्लिक डोमेन में अपनी वेबसाइट पे जो है वो टाइम टू टाइम अपडेट करने का काम रहेगा, ताकि हर जो है इंडिविजुअल उसको एक्सेस कर सके। इसके अलावा हैंडलिंग ऑफ फीडबैक एज वेल एज ग्रीवेंसेस रिड्रेसल, वो भी काम जो है वो NHERC का रहेगा। तो ये रेगुलेशन का काम NHERC के पास दे दिया गया है। इसके अलावा जो दूसरा वर्टिकल है वो है NAC NAC, नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल। इस वर्टिकल का काम सिर्फ और सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रेडिंग एंड एक्रेडिटेशन सिस्टम होगा। ये सिर्फ और सिर्फ पूरे हायर एजुकेशन में, चाहे कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं या अदर बॉडीज हैं, उनकी ग्रेडिंग कैसे करनी है, क्या पैरामीटर्स रहेंगे, किस हिसाब से ग्रेडिंग होगी, एक्रेडिटेशन किस हिसाब से करेंगे, कौन कौन से पैरामीटर और स्टैंडर्ड्स हम यूज करेंगे, वो काम जो है वो नैक का रहेगा। ये सिर्फ ग्रेडिंग और एक्रेडिटेशन का काम भी करेगा। इसके अलावा बेंचमार्किंग स्पेसिफाई करना कि किस हिसाब से काम किया जाएगा, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को इंश्योर करना, सेल्फ गवर्नेंस और ऑटोनॉमी को इंश्योर करना इंस्टीट्यूशन की, ये काम जो है वो नैक के पास रहेगा। तीसरा जो वर्टिकल HECI हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का है वो है HEGC हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल। जैसा कि नाम से ही हमें मालूम हो रहा है ग्रांट काउंसिल, इसका मतलब ये है कि जितना भी फंडिंग और फाइनेंसिंग का काम होगा वो HECI की तरफ से HEGC हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल करेगी। मतलब अब तक जो है जो इंस्टीट्यूशन को ग्रांट मिलती थी, फंडिंग मिलती थी, ग्रेडिंग और एक्रेडिटेशन के हिसाब से उनको फंड्स अलॉकेट होते थे, वो सारा काम HEGC का होगा, इंक्लूडिंग इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंटल प्लान। जो इंस्टीट्यूशन अपने प्लान देते हैं कि हमने आने वाले समय में ये काम करना है, ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करनी है, इसके लिए इतना पैसा चाहिए, वो काम भी जो है वो HEGC का रहेगा। वो इंस्टीट्यूशन जो है वो अपना डेवलपमेंटल प्लान देंगे और HEGC उनको अप्रूव करने के बाद जो है वो फंडिंग करेगा। इसके अलावा जो स्कॉलरशिप और फेलोशिप अब तक मिलती आई है UGC की तरफ से, वो काम भी अब जो है वो HEGC ही देखेगा, हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल ही उस काम को देखेगी। अब चौथा जो वर्टिकल आता है दैट इज GEC जनरल एजुकेशन काउंसिल। जनरल एजुकेशन काउंसिल का क्या काम रहेगा, सबसे इम्पॉर्टेंट काम मैं कहूंगा इसी का है, और एक ऐसा काम जो बहुत ही ज्यादा मेहनत मांगता है। इसका काम होगा टू फॉर्मुलेट नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिटी फ्रेमवर्क, कि जो नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिटी फ्रेमवर्क में जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बताए गए हैं, जो क्वालिटी स्किल्स बताए गए हैं, जैसा कि NSQF है, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, जो क्वालिफिकेशन उसमें बताई गई है किस तरह के स्किल होने चाहिए, किस तरह के एजुकेशन के पैरामीटर्स होने चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए, जो हमारी एक्चुअल आउटकम होगी, लर्निंग आउटकम, उसको गवर्न कैसे किया जाएगा, उसको कैसे हमने सिस्टमाइज करना है, क्या हमारे स्टैंडर्ड पैरामीटर्स होंगे जिनको हमने अचीव करना है स्टूडेंट के एज वेल एज टीचर के, वो काम रहेगा जनरल एजुकेशन काउंसिल के पास। इसका काम होगा स्टैंडर्ड और पैरामीटर को सेट करना और उसके हिसाब से टारगेट्स को अचीव करने में इंस्टीट्यूशन की हेल्प करना, और ये सारा काम जो है वो इन चारों वर्टिकल का काम जो है वो गवर्न करेगा HECI हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि इन चारों वर्टिकल्स की सहायता से जो है वो पूरे एजुकेशन सिस्टम जो है वो कंट्री का उसको गवर्न करेगा। इसके अलावा जो अदर काउंसिल्स हैं उनकी अलग बॉडी बनाई जाएगी, जैसे एग्रीकल्चरल काउंसिल है, लीगल काउंसिल है, उनकी अलग बॉडी बनाई जाएगी, वो टाइम टू टाइम जो है वो HECI को सपोर्ट करेगी बहुत सारी जो एक्टिविटीज रहती है एजुकेशन सेक्टर की उनसे रिलेटेड कामों में। तो इस तरह से HECI जो है वो काम करेगा आने वाले समय में, और जो हमारे एग्जिस्टिंग रेगुलेटर्स हैं, जैसे UGC की बात करें और दूसरे इसके सहायक जो बॉडीज हैं उनकी बात करें, NAC की बात करें, वो सारे जो है वो रिप्लेस कर दिए जाएंगे HECI के द्वारा, ताकि जो है वो आने वाले समय में कोई कंफ्लिक्ट ना हो, सबके बीच में जो है कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन बना रहे, और अच्छे से जो है वो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है जो वो आने वाले टाइम में वर्कआउट करे। तो ये था जी आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा, आप इसको जरूर देखें और शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और जो भी स्टेक होल्डर एजुकेशन फील्ड से बिलोंग करता है, और सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, ताकि एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड हर लेटेस्ट अपडेट आपको जल्दी से जल्दी और सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से पहुंचे। तो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।